स्मृति रानी जी। महोदय, मैं आपने मुझे इंटरवेंशन करने की अनुमति दी इसके लिए सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ। ये अनुमति मैंने आपसे इस आधार पर मांगी, इस सोच को प्रतिबिंबित करने के लिए मांगी कि अमृत काल में जॉइंट सेशन को पहली बार आदिवासी समाज से आई एक महिला ने संघर्षों के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो, हम सबको अपने आशीष वचन दिए। मैं उसके लिए सर्वप्रथम उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और महामहिम राष्ट्रपति जी से कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो ना सिर्फ आदिवासी समुदाय का, ना सिर्फ महिलाओं का, बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव है। मैं आज इस सदन में एक सांसद को सुन रही थी जिन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही इन शब्दों से की कि वो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं मन में ये टीस थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी किसी एक राजनीतिक दल से नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव से, गरिमा से संबंधित हैं, तो जो राष्ट्र का सबसे उत्तम प्रतीक है उनका विरोध इस सदन में, उनके भाषण का विरोध इस सदन में क्यों हो, ये मेरे मन में प्रश्न निश्चित रूप से उठा। लेकिन अगर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पहले पृष्ठ को हम सब पढ़ें तो अमृत काल में स्वर्णिम शब्दों में भारत के भविष्य को उन्होंने उल्लेखित किया। एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात की और दूसरी ओर मानवीय कार्यों की बात की। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक नागरिक होने के नाते विशेष मैं इस बात का गौरव करती हूँ कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ने भारत में पहली बार भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान में जो 21 द्वीपों का नामकरण हुआ उसका उल्लेख किया और अपना आनंद व्यक्त किया। ये हमारे पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल का उल्लेख किया और दूसरी ओर उन्होंने हम सबको याद दिलाया कि हमारी नौसेना को अब छत्रपति शिवाजी महाराज का दिया हुआ प्रतीक चिन्ह मिला है जो अब उनकी ध्वजा पर लहराता है, भारत की शान बढ़ाता है। और महामहिम राष्ट्रपति जी के इस उद्बोधन में, अभिभाषण में मात्र 2-3 बिंदुओं पर मैं अमेठी की सांसद के नाते भी आपकी अनुमति से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक श्लोक कहा था, ग्रंथों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात अपना ये है पराया ये, ऐसी सोच होना उचित नहीं। और राष्ट्रपति जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोदी सरकार ने, इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि अपने पराये की सोच से परे हटकर मेरे संसदीय क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर मैं अमेठी की दृष्टि से देखूं, तो हमने क्या पाया, क्योंकि 50 वर्ष खोया बहुत मेरे संसदीय क्षेत्र ने। आज सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूँ कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था।
राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नारी की प्रतिभा, नारी के योगदान और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में नारी की भूमिका को उल्लेखित किया है। आज इस सदन में हमारी एक वरिष्ठ नेता हैं जो निश्चित रूप से महिलाओं की दृष्टि से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करेंगी, लेकिन एक छोटा सा अपनी ओर से मेरा प्रयास है कि सदन को मैं अवगत कराऊं कि ग्रामीण अंचल में महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं, उनका यूपीए के कार्यकाल में और मोदी सरकार में क्या स्थान रहा। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक सदस्य ने यहाँ चुनाव का उल्लेख किया कि एक चुनाव से पहले एक बहुत ही प्रचलित इंटरव्यू था जिसमें विमेन्स एम्पावरमेंट की बार बार बात हुई, लेकिन वो शब्द धरती पर कितने फलीभूत होते हैं उसका मैं एक प्रमाण यहाँ देना चाहती हूँ। 2009 से लेकर 2014 तक देश भर में सिर्फ 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भारत सरकार से सहायता मिलती थी। मोदी सरकार में ये संख्या बढ़कर अब 81 लाख हो गई है। 2009 से लेकर 14 तक जो राशि इन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई वो लगभग 80,000 करोड़ थी, लेकिन मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2022 तक ये राशि बढ़ाकर 4,93,000 करोड़ रुपया की गई। मैं प्रधान सेवक जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि विमेन्स डेवलपमेंट के मात्र नारे को ट्रांजिशन करके राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो उसमें अहम भूमिका नारी की होनी चाहिए। मात्र इस एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के आवंटन से ही आज वो प्रतिबिंबित होता है कि नारी और विशेषतः ग्रामीण अंचल की महिला की प्रतिभा पर देश के प्रधान सेवक को कितना नाज है और कितना विश्वास है। महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मैंने सदन में पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, हमारे समाज में ग्रामीण अंचल में गरीब तबके में महिला को अगर आप कभी पूछें साल 2014 से पहले कि क्या सार्वजनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं भी उल्लेख होता था, ग्रामीण अंचल और गरीब तबके की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेख सामाजिक दृष्टिकोण से ना हो ऐसा नहीं था, साधन उपलब्ध नहीं थे गरीब महिला को, इसलिए वो चर्चा में इस विषय को नहीं लाती थी। आज भी हजारों सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं कि अगर बुखार भी आ जाए तो अपनी नहीं अपने परिवार की पहले चिंता करती है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का और अभिनंदन करती हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 31 करोड़ कैंसर की स्क्रीनिंग हुई जिसमें से लगभग 13 करोड़ से ज्यादा देश की गरीब महिलाएं थी। ऐसा नहीं था उस महिला को पता नहीं था कि ब्रेस्ट का कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो तो उसे किस प्रकार की सुविधा चाहिए, वो बोझ नहीं बनना चाहती थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी, तिल तिल कर मरती थी। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से उसे ये सुरक्षा का कवच दिया, ये आत्मीय और मानवीय काम किया, इन्हीं मानवीय मूल्यों का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, अध्ययनशील है, निशिकांत जी का आज मैंने भाषण सुना, वो मैजिक ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे, 50 लाख से लेकर 90 करोड़ की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहाँ से हैं, एक मैजिक वहाँ भी हुआ और महोदय आपकी अनुमति से
निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर ये कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में, रुपए का रेंट और सुरेश जी सुनिए, 623 रुपए का रेंट 30 साल तक, 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया कि अपना और पराये का भेद ना हो, भले ही एक परिवार अपने फाउंडेशन के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुष्मान भारत में सेवा देनी है वो दे। उसका प्रतीक स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। लेकिन महोदय, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उनसे संबंधित। इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा। उस मरीज का दोष ये था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है अमेठी में उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5 लाख रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। नन्हेलाल मिश्रा को लौटा दिया गया और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां से। काश नन्हेलाल मिश्रा आज इस सदन को बता सकते कि गंभीर बीमारी में लौटाए जाने से कितनी परेशानी होती है। लेकिन महोदय, ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुंचेगी ना सदन के बाहर तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और ये रिपोर्ट है जो कहती है कि मरीज की बीमारी के अनुरूप उनका इलाज नहीं हो सका। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। 623 रुपए प्रतिवर्ष 40 एकड़ जमीन पर आज भी विराजमान है। लेकिन आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का, अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया। यहाँ बहुत ठहाके लगाए गए कि कोई यात्रा पे निकला था इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भैया जमीन हमारी जा रही है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर गरीब की इतनी चिंता है तो पहले सम्राट साइकिल, अद्भुत दृश्य था महोदय, सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया, कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोलिए। और फैक्ट्री खुलवाई गई, मुझसे ज़्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञानी निशिकांत जी इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ। कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे। अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और जमीन फाउंडेशन को चली जाती है। फैक्ट्री की जमीन है ताकि वहां पर नया साधन
इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके, कागज पर दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो जमीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताती हूँ और डेट्स, वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते, वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं, आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। ये एक और आज यहां पर, नहीं नहीं सूर्य जी को समझ आ रहा है, नहीं नहीं है, ये भी प्रति है महोदय, ये भी प्रति है महोदय, एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक सुविधा पहुंचे। अब चूंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में आधुनिक भारत के निर्माण की बात हुई है, तो इसलिए महोदय कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बल्कि आधुनिक तत्व प्रगति के हर गांव हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है, फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर, और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहाँ पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। लेकिन आज इस एयरपोर्ट का मैं उल्लेख यहाँ इसलिए कर रही हूँ महोदय कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूँ कि हमारे यहाँ तिलोई नाम की एक विधानसभा है, वहाँ पर 30 साल से एक बस अड्डा बना दो, ये हमारी जनता जनार्दन कहती रही। बस अड्डा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, देश में मोदी सरकार बनी। और आज अमेठी के सांसद के नाते मैं आनंदित हूँ कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट को अब उड़ान की स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और अब अमेठी का साधारण नागरिक भी हवाई सेवा का इसमें फायदा उठा सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेठी की एक बार चर्चा होती थी और मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विशेष उल्लेख इसलिए भी किया, महामहिम राष्ट्रपति जी एक बहुत ही गरीब सामान्य परिवार से हैं और इस सरकार की एक बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि यह है कि पद्म पुरस्कार उनको जाता है जो धरातल पर काम करते हैं, मानवीय काम करते हैं, राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं बिना इस अपेक्षा के कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिसे सालों साल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता था, वहां परिवार से संबंधित नेताओं को तमगा जरूर मिलता था, लेकिन अमेठी में पहली बार एक बेटी को स्पोर्ट्स में पद्म पुरस्कार अगर किसी ने दिया तो वो शोभा अमेठी की बढ़ाई हमारे प्रधान सेवक ने और वो आशीर्वाद दिया महामहिम राष्ट्रपति जी ने। मैं सुधा उस बेटी की ओर से आज आभार व्यक्त करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी, हाँ मैं माइनॉरिटीज की भी वो बात करना चाहते हैं, मैं माइनॉरिटीज की भी महोदय, वैसे आपका आपका महोदय निर्देश ये रहता है, आपका ये निर्देश रहता है महोदय कि सिर्फ चेयर जो रानी जी के सुनो वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिपोर्ट में नहीं है, और जो निजी वक्तव्य दे रहे हैं ताकि मैं भाषण अपना बंद कर दूं उनको ना सुनो।
तो मैं बताना चाहूंगी महोदय, महिला और माइनॉरिटी दोनों जो शायद इनको शर्मसार कर दे, हज की कली पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई और जब इनकी सरकार थी जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था, जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था, और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लाई। 50,000 रुपए हज की यात्रा, उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को, यह भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा निकालकर यह नहीं किया, अनुशासित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से यह किया। आज जिस लोन की ये बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तो मात्र 100 करोड़ का लोन इन्होंने दिया अपनी सरकार में, मोदी सरकार ने माइनॉरिटी में 21,000 से ज्यादा छात्रों को 280 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया। ये छलते रहे देश में माइनॉरिटीज को ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द हैं, और आज जो मुझसे पूछते हैं, जो आज मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया महिला का, अगर आप जेंडर बजट देखें महोदय, तो 2014 में जब इनकी सरकार थी और जो बजट अभी घोषित हुआ है, उस पूरे बजट में जेंडर बजट एक एक मंत्रालय में 130% का इजाफा हुआ है। जवाब दें कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने महिला को केंद्र बिंदु बनाकर इस प्रकार का आवंटन क्यों नहीं किया। मैं आज दिनकर जी को याद करती हूं, राष्ट्रकवि ने कहा था, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। संकल्प मोदी ने किया और इसीलिए आज कीमत चुकाते हैं जब आप बिना किसी तथ्य के उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर आरोप मढ़ते हैं। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। जिन्होंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी, उनसे पूछती हूं, सम्राट साइकिल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खानदान ने हड़पी है, लौटाते क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। लेकिन ये मात्र जमीनों की बात नहीं है महोदय, कुछ और तथ्य हैं जो इनको शर्मसार करेंगे। जहां 50 साल एक खानदान ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर कुर्सियों पर हक जताया, उन लोगों का उन्होंने क्या हश्र किया आज मैं बताना चाहती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रतिदिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11,000 घर बनाती है। मैं कहना चाहती हूं कि अमेठी में महोदय 93,000 घर हमारी सरकार ने बनाकर दिए, मतलब लगभग 4,00,000 लोगों के पास अमेठी में सर पर छत नहीं थी महोदय, जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा। महोदय आज मैं बताना चाहती हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि 55,000 गैस के कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए सरकार द्वारा, अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बनी। ये जानना चाहते हैं क्यों मैं अपने लोगों की बात करूं, क्यों ना करूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया कि गरीब को मुसीबत के वक्त मुफ्त का राशन मोदी सरकार ने पहुंचाया, इस वर्ष 2,00,000 करोड़ का व्यय हो रहा है। मेरी लोकसभा क्षेत्र में 18,72,000 लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त का राशन मिल रहा है, मैं उनकी ओर से आभार व्यक्त करती हूं, क्यों ना करूं। 305 किलोमीटर सड़कें सिर्फ मेरे एक जनपद में बनी है महोदय, 5 गांवों का नाम सुना देती हूं, 50 साल में इन 5 गांवों तक कभी सड़क नहीं पहुंची थी। जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में, मैंने महोदय सुना था हिंदी में, दिया तले अंधेरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज इन सारी हिंदी की जितने भी हमारी प्रोवर्ब्स हैं उनका एक दर्शन मैंने यहां किया है,
उनको जवाब देना पड़ेगा। 5 गांव के नाम भी बता देती हूं जहां सड़क ही नहीं पहुंची कभी। इसलिए महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार मैं इसलिए व्यक्त करती हूं कि देश में पहली बार आदिवासी समुदाय की एक बेटी को, एक महिला को राष्ट्र के सबसे उच्च संवैधानिक पद पर मात्र नरेंद्र भाई मोदी के प्रयासों से पहुंचाया गया। इतना ही संतोष नहीं कर रही हूं मैं, गौरव करती हूं इस बात का कि अगर आप समुचित सरकार का आदिवासी क्षेत्र के लिए बजट देखिए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो 19,000 करोड़ रुपया खर्चा करते थे, पूरी सरकार को कहते थे, और जब मोदी जी की सरकार बनी तो 88,000 करोड़ रुपया मात्र आदिवासी परिवारों के लिए हमारी सरकार ने व्यय किया। क्योंकि मैंने दिनकर जी का उल्लेख किया तो आप तो वरिष्ठ हैं महोदय, आप राष्ट्र कवि का कई बार कई भाषणों में उल्लेख भी कर चुके हैं, कई चर्चाओं में उनका उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। वो कौन था जो कहता था विदेश से वैक्सीन लाओ? वो कौन था जो कहता था हिंदुस्तान की वैक्सीन ना लगाओ? और वो कौन था जिसने कहा कि विदेश पर नहीं अपने देश पर भरोसा करो, वैक्सीन यहां बनाओ और हर हिंदुस्तानी को मुफ्त लगाओ? उस सूरमा का नाम मोदी। इसलिए आज इतना ही कहती हूं कि विघ्नों को गले लगाया, कांटों में राह बनाया, और इसीलिए कांटों में राह बनाने के लिए और भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ संकल्पित अमेठी को भी आशीर्वाद देने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और महामहिम राष्ट्रपति जी को सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ पुनः कि वो सिर्फ महिलाओं का नहीं, सिर्फ आदिवासी परिवारों का नहीं, बल्कि राष्ट्र का गौरव है। और अमृत काल में हमारे राष्ट्र में इसी प्रकार की महिला और सामाजिक परिस्थितियों से उत्थान करने वाली महिला का उल्लेख बार बार हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हो, अमृत काल में मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। महामहिम राष्ट्रपति जी को बड़े गौरव के साथ चरणों में शीश झुका के उनके अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। श्री कार्ति चिदंबरम जी।